बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये आज बनेगी केरेमल वाड़ी पुडिंग, और ये पुडिंग बहुत ही अच्छी बहुत ही यम्मी बनती है, क्योंकि यहाँ पे हाँ मैंने और मेरे बेटे ने रोज़ा रखा था। हमारा वहाँ सब सब रोज़ा रखते हैं, नवमे और दसवें चांद पे 2 दिन के रोज़े रखते हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ में नवमे चांद और दसवें चांद की वीडियो शेयर करूंगी कि हमारे बड़ौदा में नौवें चांद और दसवें चांद किस तरह से मनाया जाता है, और मैं किस तरह से मनाती हूं और बड़ौदे वाले किस तरह से मनाते हैं, वो दोनों आज शेयर करेंगे। तो यहाँ बाजू पे मैंने रोज़ा रखा था, तो मैंने केरेमल वाली पुडिंग बनाई थी, और इसको नीचे डालने का होता है, यानी ये जो केरेमल को, लेकिन मैंने कुछ यूनिक करा है, हटके बनाई है, तो इसकी रेसिपी भी छोटी सी शेयर करूँगी। और साथ ही में हमारे बड़ौदे वाले किस तरह से यानि मुहर्रम मनाते हैं, नौमा और दसवा चांद, ये दसवें चांद की वीडियो है। तो उससे पहले मैं आप लोगों को नौवें चांद के दिन भी हमारे वहाँ क्या होता है और ये मैंने कहाँ से शूट किए वो सभी दिखाऊंगी। तो पहले चलते हैं नौवें चांद के दिन रात को हमारे वहाँ 10 से 10:30 बजे क्या होता है, आ जाइए। चलिए आपको अब मैं दिखाती हूँ कि मैं वीडियो शूट कहाँ से कर रही हूँ। ये है मेरी दीवार और आपको मेरा परछाया दिख रहा है, ये मैं हूँ। तो बस मैं मेरी बालकनी में से वीडियो शूट कर रही हूँ आप लोगों के लिए। तो ये नौवें चांद के दिन एक छोटा सा ताजिया बना हुआ है और एक बड़ा सा ताजिया बना हुआ है। तो बस अब ये छोटे से ताजिए को ये लोग लेके जा रहे हैं, अब बड़े ताजिए को भी लेके जाएंगे। और आप लोगों को एक चीज़ दिखाऊँ, कभी आप पब्लिक को यानी देख सकते हो, ये देखो ताजिया उठाने में कितनी कम पब्लिक है, बहुत ही कम है, मेरे अल्लाह तेरा शुक्र है। क्योंकि गए साल की अगर तुम मेरी वीडियो उठा के देखो, उसमें बहुत ही ज़्यादा पब्लिक थी, नौजवान बच्चे थे, बहुत ही ज़्यादा पब्लिक थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अल्लाह तेरा शुक्र है, कभी पब्लिक बहुत ही कम हो गए है, बस गिने चुने कुछ लोग जो बाकी रह गए। देख सकते ताजिया उठाने में कोई ज़्यादा पब्लिक नहीं है, कोई ज़्यादा रस नहीं है। गए साल की वीडियो आप लोग देखना, उसके अंदर इतनी ज़्यादा पब्लिक है कि रोड पे माती नहीं थी। और इस बार लेडीज़ भी अभी आप लोगों को दिखा रही हूँ, लेडीज़ अभी है, लेकिन इस बार लेडीज़ भी बहुत ही कम है। और ये मेरी गलत फहमी थी, क्योंकि अभी आगे आने वाली है सवारियाँ, तो सवारियों के अंदर जो लेडीज़ आई थी, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, मैं आप लोगों के साथ में वो भी शेयर करूँगी कि कितनी सारी लेडीज़ आई हुई थी। और यहाँ बाजू पे देख सकते हो कि यहाँ बाजू ताजिए के पीछे बहुत ज़्यादा पब्लिक नहीं थी। अल्लाह अल्लाह हम सबको सीधे रास्ते पे चला जो तेरे को पसंद है, और अल्लाह बुराई से हिफाजत फरमा, आमीन सुम्मा आमीन।
और अब आ रही है यहाँ बाजू पे, अल्लाह ने की देवे तो सवारियाँ। मेरे को ये सब नहीं पता है सवारियाँ, लेकिन मेरे सब जब से शादी करके आई हूँ तब से मैं ये सब चीज़ें देख रही हूँ। तो बस चला आइए, आप लोग भी पहले सवारियों को देख लेते, उसके बाद बात करते हैं। आ जाइए सवारी देख। मेरी भी गलतफहमी दूर हो गई और आप लोगों की भी गलतफहमी दूर हो गई होगी। तो बस अल्लाह सबको हिदायत देवे और अल्लाह सब जेंट्स को, लेडीज़ को, सबको अल्लाह पाक तो सीधे रास्ते पे चला। तो 9 मुहर्रम के दिन स्पेशली मैंने क्या करा था, तो बस मैंने रोज़ा रखा था और 10 मुहर्रम के दिन भी मैंने रोज़ा रखा था, मैंने और मेरे बेटे ने। इस बार मेरे हबी ने रोज़ा नहीं रखा था क्योंकि मेरे हबी अजमेर गए थे नौकरी के पे यानी जॉब पे से, तो उनका रोज़ा चला गया। मैंने आज तक मेरे हबी का कोई दिन मैंने ऐसा नहीं देखा कि मेरे हबी जब से यानी उन्होंने बड़े हुए हैं तब से उन्होंने 9 मुहर्रम और 10 मुहर्रम का रोज़ा कभी भी नहीं छूटा था। बस फर्स्ट बार लाइफ में मैंने उनका रोज़ा छूटा हुआ देखा, और जब से मैं शादी करके आई हूँ तब से मेरा भी 9 और 10 का रोज़ा आज तक नहीं छूटा। और अल्लाह से दुआ करती हूँ कि मेरी छेली ज़िंदगी की छेली सांस तक 9 और 10 माह का रोज़ा मेरा ना छूटे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तो बस ये मैंने 9वें चांद के दिन कोई भी वीडियो शूट नहीं करी थी और ये 10वें चांद के दिन की वीडियो शूट करी है, जो मैंने ये क्या पुडिंग बनाई थी केरीमल वाली। और सॉरी फ्रेंड, मैं इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ में शेयर नहीं कर सकी क्योंकि रोज़ा रख के ने वीडियो शूट करना, रेसिपी शूट करना मेरे लिए बहुत दिक्कत का काम हो जाता है और मेरे को अच्छी भी नहीं लगती कि 9वें चांद 10वें चांद बस रोज़ा रखो, अल्लाह की इबादत करो, वीडियो शूट वीडियो शूट ना करूं। लेकिन ये नादान दिल, जो मिट्टी, जो गंदी कीचड़ की मिट्टी बनी है ना, शैतान हावी हो जाता है। तो बस अल्लाह पाक शैतान को गुनाह दे, मेरे को माफ़ कर दे। तो ये शैतान मेरे मगज में जो चीज़ डाल देता है तो मैं ये सारा वीडियो शूट थोड़ी बहुत कर लेती हूँ, तो अल्लाह पाक माफ़ करे। तो बस यहाँ बाजू पे मैंने ये केरीमल वाली, जो नीचे केरीमल डालने का था पुडिंग में, तो मैंने ऊपर डाल दिया कुछ नया डिफरेंस करने के लिए।
तो ये रोजा खुलने का यहाँ पे हमारा टाइम हो चुका है और मैंने कैरी मल को ऊपर डाला था, लेकिन ये कैसी बनी थी पुडिंग वो मैं आप लोगों को चाख के दिखाऊंगी कि अच्छी बनी थी कि नहीं। और मेरा बेटा लेकर आए थे बस यहाँ बाजू पे चिकन दाना, समोसे और कबाब। मैंने बनाए थे मकाई के भजिए, रोटी, सरगवा और भाजी। तो बताती हूँ, मैंने ये सरगवा बनाया था और भाजी बनाई है। अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये हमारे 9वें चांद, अरे 10वें चांद की मेरा मेनू है, एकदम सिंपल, एकदम सीधा साधा। मैंने मेरे बेटे को बोला दाल पुलाव बनाऊँ तो ना बोल दिया, बिरयानी बनाऊँ तो ना बोल दिया। तो अब फिर मैं क्या बनाऊँ? फिर मेरे ये लोगों को सब्ज़ी पसंद है, मेरे बेटे को भी, मेरे हबी को भी। तो बस इस वजह से मैंने सब्जी बनाई। और यहाँ बाजू पे मेरे बेटे बोलते कि नहीं, मेरे को आज कबाब समोसे खाने हैं, चिकन दाना खाना है। तो फिर क्या था, मेरे बेटे लेके आ गए कबाब समोसे, चिकन दाना, और फिर भी मैंने बनाए थे मकाई के भजिए। तो चलो, यहाँ पे अजान हो चुकी है, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम बोल के मैं ये कैरी मल वाली पुडिंग को चाखती हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी बनी थी। और यहाँ बाजू पे ताजियों का आवाज़ फिर से आ चुका है। मैंने रोज़ा खोल के नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ने के बाद में यहाँ बाजू पे ताजिए आ चुके हैं, क्योंकि अब ये जो कल ताजिए फिरने आए थे वो अब ताजिए वो क्या करते मेरे को नहीं पता, लेकिन यहाँ पे आए हैं। तो चलिए आ जाइए, आप लोगों के साथ में मैं शेयर करती हूँ कि यहाँ पे क्या क्या होने वाला है। अब आ जाइए। करना इतना आ जाएगा, मेरे को आगे जाने की जरूरत नहीं है, स्मार्टफोन है ना।